तो नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले मैसेज बॉक्स के बारे में। गाइस, लास्ट वीडियो हमने बात की थी मेनू बार के बारे में। तो गाइस, किस तरह मेनू बार बनाते हैं, और इंटर और टीटी के क्लास के सारे विजिट खत्म हो चुके हैं। एक दो वीडियो के बाद अब हमारी जो वीडियो आएंगी वो आएंगी प्रोजेक्ट को लेकर, हम कैसे कैलकुलेटर, पेंट, नोट पैड और बेसिक जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम कैसे डेवलप करें और EXE में कन्वर्ट करें। तो आज वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, हमें जल्दी 500 सब्सक्राइबर अपने पूरे करने हैं। तो गाइस, अभी हमें करना क्या है, एक मैसेज बॉक्स बनाएंगे जो आपसे आपको कोई मैसेज शो करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया उसमें कुछ ऐसे कमांड है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यूजर उसे समझ नहीं पाएगा और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप उस मैसेज के बॉक्स के जरिए जैसे मतलब यूजर किसी भी बटन पर क्लिक करें तो एक मैसेज बॉक्स ओपन हो रहा है, उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हो। तो सारा हम बनाना चाहेंगे आज इस वीडियो में। तो आज वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें किंटर मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा, तो फ्रॉम किंटर इंपोर्ट हम कर लेते हैं, और उसके बाद अपनी एक विंडो बनाएंगे, विंडो डॉट मेन लूप। गाइस, मेन लूप बनाने के बाद अब हम करेंगे इसमें एक टाइटल, विंडो डॉट टाइटल, और टाइटल में हम क्या डाल देंगे, टाइटल में हम डाल देंगे मैसेज बॉक्स। अब हमें क्या करना है, एक बटन बनाना है। जैसे मैं उस बटन को क्लिक करूँ तो आपका वो हो जाए, क्या बोलते हैं, आपका मैसेज बॉक्स, यानी जो हम इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाए। तो मैं एक बटन बना लेता हूँ। ओके, विंडो के लिए बटन होगा, इस पर जो टेक्स्ट है मैं वो मैं देता हूँ क्लिक। तो इस बटन का जैसे मैं क्लिक दूंगा उसके बाद मैं इस बटन को कर देता हूँ पैक। बटन को पैक करने के बाद अब मुझे इसे एक फंक्शन से जोड़ना होगा, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ एच नाम का, और एच नाम के फंक्शन में मैं अभी पास कर देता हूँ, अभी मुझे कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करवाना। तो अब मैं पहले से लिंक करता हूँ, तो मैं कमांड दे देता हूँ, जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूँ हमारा एच नाम का फंक्शन रन हो जाए। अब हम क्या करें, अब हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करें तो एक मैसेज बॉक्स ओपन हो, उसके लिए आपको लिखना होगा यहाँ पर मैसेज बॉक्स इम्पोर्ट करना होगा सबसे पहले। तो इम्पोर्ट क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम किंटर, ये किंटर के साथ ही आता है, तो फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स। जैसे आप मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट कर लोगे तो अब हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा मैसेज बॉक्स डॉट, तो आपको लिखना होगा मैसेज बॉक्स डॉट। अब यहाँ पर लिखना होगा, बहुत सारे इसके मेथड होते हैं, तो मैं यहाँ पर सो एरर, सो इन्फो, सो वार्निंग के बारे में बताऊँगा। तो आपको लिखना है सो इन्फो। सबसे पहले अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर सो इन्फो कर सकते हैं। इसके अंदर हम दो कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग का यूज करते हैं, दो अलग अलग, पहली जो स्ट्रिंग होती है वो होती है आपका टाइटल, और जो दूसरी स्ट्रिंग होती है वो आता है मैसेज। तो टाइटल मैं दे देता हूँ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, और दूसरा जो टाइटल दे दूंगा मैं वहाँ पर दे दूंगा दिस इज अ विंडो 11। जैसे हम मैं इसे फंक्शन को सेव करके अपने इसको रन करता हूँ पाइथन की msg.py नाम की फाइल को, तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो एक बटन आएगा क्लिक नाम का, उसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसका टाइटल होगा, जैसे ये क्लिक बॉक्स है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन टाइटल नाम का एक लोगो आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, और दिस इज विंडो 11 और ओके। बस ये आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। अब हम क्या करना है, यहाँ पर सो एरर भी कर सकते हैं। मान लो अगर आप एंट्री में इंटीजर वैल्यू चाहते हो और यूजर ने या फिर कोई गलत वैल्यू डाल दी तो वहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा। एरर को यूजर को शो करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा सो एरर, सो एरर, और यहाँ पर एरर लिख दो, और यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग वैल्यू लिख दो। तो एरर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना होगा इनवैलिड डेटा टाइप, ऐसा कुछ भी, कोई सा भी आप एरर दे सकते हो। जैसे मैं क्लिक पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एरर का सिंबल आ रहा है, उसके बाद इनवैलिड डेटा टाइप आ रहा है। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इनवैलिड डेटा टाइप को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करके, ओके, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एच नाम का, सॉरी एच नाम का तो फंक्शन है, ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ए। तो अभी भी यहाँ पर कोई भी एरर यहाँ पर हमारे सामने एक्सिक्यूट नहीं होगा और हमारा फंक्शन अच्छी तरह चलेगा। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सो वार्निंग के बारे में। तो आपको करना क्या होगा, सो वार्निंग यहाँ पर लिखना होगा, सो एरर की जगह आपको लिखना होगा सो वार्निंग। अगर आप कोई भी यूजर से फिल करवाना चाहते हो और आप चाहते हो कि यूजर को पहले ही पता लग जाए कि क्या होगा, तो अब यहाँ पर एक वार्निंग आ सकती है आपके सामने। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अलर्ट
अलर्ट नाम का टाइटल बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ डोंट क्लिक या फिर डू नॉट क्लिक रेड बटन। तो यहाँ पर आप एक वार्निंग शो करवा सकते हो पाइथन के इस प्रिंटर मॉड्यूल के इस मैसेज की मदद से। तो यहाँ पर देखिए एक वार्निंग नाम का वार्निंग टाइटल आ रहा, वार्निंग का लोगो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर हमने जो मैसेज लिखा था डू नॉट क्लिक रेड बटन और उसके बाद अलर्ट आपके सामने टाइटल आ चुका है। तो गाइस आई होप आज की वीडियो में आप समझ में आया होगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं यस नो के बारे में, आस्क के बारे में। ये एक शो वार्निंग होता है और एक होता है यस नो। गाइस हमारी जो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बहुत जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इसका जो पार्ट 2 आएगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर